ओम शांति। आज साकार महावाक्य साथ साथ 2023 मधुर संतान माने अर्थ सहित बाबा को मन पकाइबा द्वारा ही तुम्हारा पाप नाश हेबो, आत्मा अपवित्र रूप पवित्र हेबो। तेणु प्रथम विषय हेला जोग। प्रश्न, मनुष्य माने कौन प्रार्थना करुछंती एवं बाबा से प्रार्थना को किपरि पूरण करुछंती? उत्तर, मनुष्य माने बाबा को प्रार्थना करुछंती, हे ईश्वर पिता आम को पापरु मुक्त कर, हे दयार सागर बाबा दया कर। बाबा समस्त वेदना को शुणी निजे आसुछंती एवं पापरु मुक्त होबार उपाय बताउछंती। पिला माने तुमे मते मन पकाओ, केवल बाबा महिमा गायन कले किछि फायदा नाही, चरित्र को गायन करिबार नाही, किंतु राजयोग सीखी चरित्रवान होबार अछि। ओम शांति। एहा कहार महिमा सुनिल जे बिगिड़ी जाइथिबा कथा को सजाड़ी देथांती। आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाथिबा बाबा हेउछंती सर्वोच्च। जेतेबेले के बुझिबा पई आसुछंती तांको प्रथमे गोटिए कथा बुझाइबा को हेबो जे भगवान सर्वोच्च बोली गायन रहिछि, जहांकर नाम मध्य उच्च एवं रहिबार स्थान मध्य उच्च अटे। ग्रंथरे मध्य वर्णना रहिछि जहार नाम एवं रहिबार स्थान सर्वोच्च। सबुठारु उच्चरे रहिला बाला हेउछंती परमपिता परमात्मा। ताहा हला निराकारी दुनिया, जेउठारे निराकार परमपिता परमात्मा रहुछंती, ताठारु तळ को आकारी एवं साकारी दुनिया रहिछि। तेणु प्रथमे तांकर परिचय देबाकु हेबो। परमपिता परमात्मा तो सत्य अटंती, सी हेउछंती रचयिता, पुणी तांकर रचना मध्य अछंती। सर्वोच्च हेउछंती बीजरूप परमपिता परमात्मा, पुणी ता तळ को रहिछंती सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। एमाने हेउछंती रचना, रचयिता समस्तंक उपरे रहिथांती। बाबा हेउछंती रचयिता, बाकी सबु रचना। समस्ते एकमात्र परमपिता परमात्मांकर संतान अटंती, सेथिपई आमे आत्मा माने परस्पर भाई भाई हेलु। परमपिता परमधामरे रुहंती, तांकु ही परमात्मा कहा जाए। शरीरर पिता तो अनेक अछंती ना, तेबे प्रथमे प्रथमे रूहानी पितांकर परिचय देबाकु हेबो। सबु रचना तांकर अटे। एही चित्र प्रति मध्य ध्यान आकर्षित कराइबा उचित। सर्वप्रथमे हेले सर्वोच्च परमपिता परमात्मा, जहांकु मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर चैतन्य बीज रूप कहा जाउछि। से सचित आनंद स्वरूप अटंती, सत अर्थात सत कहिला वाला आत्मा सत्य अटे। आत्मा केबे हेले जळे नाही कि मरे नाही, आत्मार मृत्यु नाही। तेबे सत्यंकर संतान मध्य सत्य हेबा उचित ना? तुमे देवी देवता माने प्रथमे सत्य थिलो, सत्य दुनियार स्थापना सत्य बाबा ही करंती। एपरि नुहे जे परमपिता असत्यर दुनिया स्थापन करुछंती ना? एही भारत सत्यर दुनिया थिला, पुणी एहा असत्य दुनिया होई जाइछि। परमपिता परमात्मा सत्य अटंती, जे पतित करुछि ताकु सत्य बोली कहाजिब नाही, आउ समस्ते मिथ्यावादी। पांच विकार रूपी माया रावण मिथ्यावादी करि देउछि। राम सत्य, रावण मिथ्या अटे। एही रावण ही भारत को असत्य अपवित्र करि देउछि। सबु कहानी एही भारतर बुझाइबा को हेब जे एही भारत स्वर्ग थिला, एबे नरक होइ जाइछि। बाबांकु स्वर्गर रचयिता कहा जाउछि। महिमा मध्य एही भारतर, बाबा तुममानंकु आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाउछंती, जहाद्वारा तुमे त्रिकालदर्शी होछ। एहाकु स्वदर्शन चक्र कहा जाउछि। तुमे जानिछ आमे आत्मा माने पुनर्बार परमपिता परमात्मांक ठारु संपत्ति नेउछु। गायन मध्य करा जाए, आत्मा परमात्मा अलगा रहिले बहुत काल। वर्तमान एही मिलन बहुत सुंदर मंगलकारी मिलन अटे। तुमे प्रथमे प्रथमे बाबांकर परिचय देउछ। रचयिता बाबांकु सर्वव्यापी कहिबा द्वारा एहा प्रमाणित होई पारु नाही जे आमे समस्ते तांकर संतान अटो। पिला माने केबे एपरि कहिबे नाही जे आमे समस्ते परमपिता परमात्मा अटो। सर्वव्यापी कहिबा द्वारा ना सेही बड़े स्नेहर अनुभव हुए, ना तांक सहित बुद्धिचोक लागिथाए।
एही भारतर प्राचीन जोग बहुत विख्यात अटे। वास्तव में बुद्धिर जोग बाबा सहित लगाइबार अछि। जदि से सर्वव्यापी तेबे जोग कहा सहित लगाइबा? कण निज सहित लगाइबा? एहार कौनसी अर्थ ही बाहर नाही। एठारे तो तुम्हें अर्थ सहित जानुछ। बाबा निजे कहउछन्ति जे मो सहित जोग लगाइले तुमर विकर्म विनाश हेब। विकर्म तो होई चालीछि, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंतिम समय रे हेब। जेतेबेले बाबांकर ज्ञान सुनाइबा समाप्त होइजिबो सेतेबेले फलाफल जणा पड़िबो। स्कूलले मध्य के केउ विषय रे भल करिथान्ति तो आउ पुणी के आउ केउ थिरे। सबुठारु सहज विषय हला बाबांकु मने पकाइबा। बाबांकु मने पकाउछन्ति ना? जोग द्वारा आत्मा पवित्र होइजिबो। एही आत्मारूपी पात्र सफा होइजिब। आत्मा जहाँ कि अपवित्र हो जाए ताहा पवित्र होइजिब। तेणु सर्वोच्च बाबा आसी आमको पाठ पढ़ाई सर्वोच्च पद प्राप्त कराउछन्ती। तुम्हें वर्तमान मनुष्य रु देवता हेउछ। तुम्हें माने जानुछ जे वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। एमानको हिंदू कहाजिब नाही, हिंदू धर्म कहिबा शोभा पाउ नाही। भारतर नाम ही परिवर्तन करी हिंदुस्तान रखि देउछन्ती। एठारे आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म थिला जहाँ को वैकुंठ अथवा स्वर्ग कहा जाउछि। ताहा सत्ययुग अटे, ताको नुआ दुनिया कहा जाए। ताहार रचयिता हेउछन्ती बाबा। सी हेउछन्ती निराकार, समस्ते तांको हे ईश्वर पिता बोली कहउछन्ती। सी उच्चरु उच्च स्थान रे रहउछन्ती। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर मिलेछि, ताकु सूक्ष्म लोक कहा जाए। पुणि ता उपरे हेला शांति धाम निराकारी दुनिया, एहा हेला स्थूल दुनिया। तेबे प्रथमे प्रथमे केही भी आसिले तांकठारु फॉर्म पूरण कराइ नेबा उचित। आत्मार पिता किए? सर्वोच्च भगवान को ही कहा जाउछि। साधु संत आदि सबु तांको प्रार्थना करुछन्ती। प्रार्थना को विनती मध्य कहा जाए। हे ईश्वर पिता, आमे विनती करुछु, आमर पाप को दग्ध कर। दयार सागर बाबा, दया कर, एहिपरि डाकुछन्ती। तेबे समस्ते तो दया करिबे नाही। समस्तंक उपरे दया एकमात्र बाबा ही करंती। सेति पई तांकु सर्वदया कहउछन्ती ना? तेबे से कौन करुछन्ती? केते जणक उपरे दया करुथिबे? एहा मध्य ड्रामा रे निर्धारित अछि। वर्तमान समय जहा कि चलुची तुम्हें ताहा सहित तुलना करुछ। गीता भागवत रे एही सब कथा नहीं। गीता हैला ज्ञान, बाकी चरित्र आदि कौन सी आवश्यकता नहीं। छात्र माने कौन केवे शिक्षक चरित्र गायन करिथांति कि? शिक्षक मानकर महिमा कले कौन सी लाभ मिलिबो नहीं। बाबांकर केवल एही महिमा करिबा जे से ज्ञानर सागर, सुखर सागर, किंतु एहा द्वारा किछि भी मिलिबो नाही। एबे तुमे जानुछ जे बाबा आमको राजयोग सिखाई त्रिकालदर्शी करुछंती, अर्थात तीनि काल तीनि लोकर ज्ञान देउछंती। तेबे तुमे निजको मास्टर त्रिलोकीनाथ मध्य कहिपारिबो, त्रिकालदर्शी मध्य कहिपारिबो। वास्तव रे आमे तीनि काल को जानुथिबा नाथ हेउछु। एहा राजयोग अटे। आमे वर्तमान राजा हेउछु। आमको एही परी बाबा ही करुछंती। सेथिपई तांको पारसनाथ कहा जाउछि। से माने हेउछंती लक्ष्मी नारायण। जदिओ तांकर मंदिर मध्य अछि, किंतु मनुष्य जानि नाही जे से किए। पारसपुरी रा नाथ हेउछंती लक्ष्मी नारायण। सत्ययुग को पारसपुरी कहा जाउछि। तुमे एक कथा जानिछ जे वास्तव रे कृष्णकर हीरा नीलार महल थिला। समस्ते पारसनाथ थिले। तेबे प्रथमे प्रथमे अन्य मानुको एही कथा बुझाओ कि तुमे एक कथा मानुछ जे समस्तंकर रचयिता बाबा ही अटंती। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर मध्य से रचयिता अटंती। प्रथमे तो एही निश्चय हो जे एही बाबा हेउछन्ती स्वर्गर रचयिता। स्वर्गरे आदि सनातन देवी देवता धर्मर आत्मा माने थिले। तांकु एही ज्ञान केबे मिलिथिला? बाबा कहउछन्ती मु कल्प कल्प एही संगम जुगरे आसुछि ज्ञान देबा पाई। वास्तव रे तुमे सत्य जुगरे पारसनाथ हेउछ। एहा केते फास्ट क्लास ज्ञान अटे। तुमे एठारे बसीछ, जानिछ जे आमे बाबांकर ठारु स्वर्गर संपत्ति नै
पारसनाथ पारसपुरी मालिक हेबो। बुद्धि जाणी जे लक्ष्मीनारायण आदि देवी देवता माने केते धनवान थिले, तांख पाखरे बहुत अलंकार आदि थिला, सेमाने बहुत साहूकार थिले। तेबे सर्वप्रथमे बाबांको जाणी तांकठारो संपत्ति नेबाको हेबो, जोग द्वारा ही संपत्ति नेबाको हेबो, एहा बहुत सूक्ष्म कथा। सेठारे हीरानीलार केते बड़ बड़ महल थिला, एबे ए सबु नाही, पुणी उचित समय रे होई जिवो। प्रथमे थिला, परे से सबु रहिला नाही, पुणी हेबो निश्चित। ए सबु ड्रामा रे निर्धारित अछि, एहा बुद्धि द्वारा बुझिबार कथा अटे। लड़ई रे मध्य सबु भांगी रुचि जाई थाए, पुणी नुआ महल तयारी करिथांती। तेबे पूर्वरु महल निश्चित तयारी करिथिले। तुमको साक्षात्कार हेउछि जे वास्तवरे महल थिला आमे तयारी करिथिलु, एपरि नुए जे सागर भीतर को चली जाइछि जहा पुणी बाहरी आसिबो ना, एहा त ड्रामार चक्र जहा कि घूरी चलीछि। सेमाने भावुछन्ती रावणर लंका अथवा सुनार द्वारिका तल को चली जाइछि जहा पुणी परे बाहरी आसिबो, किंतु एपरि त हेउ नाही। एबे तुमे द्वारिकार मालिक हेउछ, तुमे केते धनवान थिलो, तुम पाखरे धन दौलत सबु थिला, एबे ताहा सबु उभेई जाइछि, सबु किछि लुटि नेइछन्ती, पुणी मध्य एही परि हेबो। तेणु प्रथमे प्रथमे बाबांकर परिचय दे पुणी चक्रर रहस्य बुझाइबाकु हेबो जे एहा किपरि परिवर्तन हेउछि। सत्ययुगर स्थापना एही बाबा ही करिबे। एबे बाबा सम्मुखरे बसी कहुछन्ती कि मते मने पका, एही जोग अग्नि द्वारा ही तुमे पतितरु पवित्र हेउछ, आउ किछि उपाय नाही। आत्मा पतितरु पवित्र हेउछि, पतित पावन पापा आसी पवित्र दुनिया स्थापन करुछन्ती। पुणी तुमे गंगांक पाई काहेकि रहु करुछ जे ये पतित पावनी अटन्ती। जप तप गंगा स्नान आदि करिबा एसबु भक्ति मार्गर सामग्री अटे। भक्ति मार्ग मध्य प्रथमे अव्यभिचारी थिला, पुणी व्यभिचारी होइगला। एहा व्यभिचारी हेबा पाई अधा कल्प लागिथाए, षोल कलार चौद कला एहीपरि कमी कमी जाइथाए। एकथा ज्ञानर सागर बाबा बुझाउछन्ती। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु ज्ञानर सागर, मनुष्य सृष्टिर बीज रूप कहा जाउ नाही। परमपिता कहिबा द्वारा बुद्धि ब्रह्मा विष्णु शंकरक आड़कु जाउ नाही। जेतेबेले आत्मा को दुख आसीथाए से परमपिता परमात्मा को मने पकाइथाए। सत्ययुगरे सुख अछि तेणु केही भी परमात्मा को डाकि नथांती। एबे आत्मा माने जानुछन्ती जे आमे अधाकल्पर दुख पाइछु, एबे पुणी आमे स्वर्ग को जीवु, सेठारे कौनसी दुख नाही। सेथिपाई सत्ययुगरे बाबा को मने पकाइबार आवश्यकता नाही। ड्रामा अनुसार बाबा आमको सुखर संपत्ति देकरि जीवे। मनुष्य वृद्ध होइगले बानप्रस्थ को चली जाई थांती, गुरु करिथांती। एठारे तो बाबा स्वयं आसी सद्गुरु हेउछन्ती, कहुछन्ती जे तुम समस्तंकु साथीरे नै जिबि। एहिपरि आउ केही भी कहि पारिबे नाही, साथीरे त केही भी नेबे नाही। समस्तंकु निश्चित पुनर्जन्म नेबाकु पड़िबो, अभिनय त करिबाकु ही हेबो। मु त बारम्बार जन्म नेउ नाही, जदि मु बारम्बार जन्म नेबि तेबे तम प्रधान होइजिबि। आत्मा ही अपवित्र होइथाए, एथिरे खाद मिसिथाए। सुवर्ण युग रौप्य युगर अक्षर वर्तमान रहिछि, वास्तवरे एबे लौह युग अटे, वर्तमान संगम युग चलीछि। तेणु बाबा को निश्चित आसिबाकु ही हेबो। पुरुणा दुनिया को नुआ करिबा एहा बाबांकर ही काम अटे। बाबा ही पतित पावन अटंती अथवा सृष्टि को परिवर्तन करंती। सृष्टिर रचयिता नुहंती, सृष्टि को परिवर्तन करंती। रचयिता कहिबा द्वारा मनुष्य माने भावुछन्ती कौनसी बड़ प्रलय हेउछि। पतित पावन अक्षर ठीक अछि, साधु माने मध्य गायन करुछन्ती पतित पावन सीताराम। एपरि त केबे कहु नाहंती जे पतित पावनी गंगा। पतित पावन कहिबा द्वारा बुद्धि परमात्मा काड़कु चली जाउछि। गंगा त पतित पावनी नुहे, एहा त पानी अटे, पुणी सेठारे मध्य रहिबो, किंतु सेठारे सबु जिनिस सतु प्रधान होइथाए। एही गंगा मध्य सतु प्रधान थिबो, एठारे त तम प्रधान होइ जाइछि। बन्या करि देउछि गाँ को गाँ बुढ़ाई देउछि, ब्रह्मपुत्र नदी केते गाँ को बुढ़ाई देउछि। तेणु एहा हेला दुख धाम।
सत्यजुगरे कौन दुख भोग करिबे कि सेठारे तो नियम अनुसार निज निज रास्ता रे चालिबे एठारे रास्ता छाड़ी देउछि एठारे पांच तत्व मध्य सेठारे सतुप्रदान होइथिबा जोगु जल मध्य केबे दुख देव नाहीं एठारे जल मध्य दुख देउछि प्रथमे तो यही कथा बुझाइबा को हेबो जे स्वर्गर सुखदाता किए निश्चित बाबा ही होइथिबे एबे त नरक होइ जाइछि वर्तमान बाबा आसीछन्ति आमे प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी अटु तेबे प्रजापिता ब्रह्मा ही नुआ सृष्टि रचना करिबे मनुष्यर देवता हेबा पई समय लागि न थाए तेबे एपरि किए कले परमपिता परमात्मा कृष्ण तो स्वयं देवता अटंती बाबा ही मनुष्यर देवता करुछंती एकथा तुम्हें जानुछ आगुरु तो केवल गायन करुथिला मनुष्यर देवता किंतु जानी नथिला जे सत्ययुग किए स्थापन कले एहार रचयिता किए एही सत्ययुगे दुनिया पुणी कलियुग होई जाइछि तेबे तुम्हें बुझी जाइछ जे एहा आकाश तत्व तत्वर बहुत बड़ रंगमंच अटे एठारे खेल चलीछि सेथिपई खोला स्टेज हेबा दरकार ना मनुष्य अभिनय करिले आलोकर मध्य आवश्यकता होइथाय पुणी से ही भाई ए विशाल रंगमंच सूर्य चंद्र आलोकर सेवा करुछंती तारा मध्य चिकमिक करुछंती जेते बेले राति होउछि एमाने आलोक अर्थात सुख देउछंती सेथिपई सूर्य देवता चंद्र देवता बोली कहउछंती एमाने आलोक आदिर सुख देउछंती ना अच्छा मीठा मीठा सिकिला दे संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह परास्मृति एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते आम आत्मिक संतान मानंकर मध्य आत्मिक पितांकु नमस्ते 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 धारणा पई मुख्य सारांश एक नंबर ड्रामार चक्र को यथार्थ भावरे जानी पुरुषार्थ करिबाकु हेबो बाबांक समान दयाशील होई समस्तंक उपरे दया करिबाकु हेबो दुई नंबर बाबा सत्य दुनियार स्थापना करुछंती तेणु तुमको सत्यनिष्ठ होई रहिबाकु हेबो बाबांकर स्मृति द्वारा आत्मा को स्वच्छ करिबाकु हेबो वरदान सेवार भावना द्वारा सर्वदा अमर फल प्राप्त करुथिबा मायार रोगठारु मुक्त आत्मा हुअ जेउ पिला माने हि संगम जुगरे प्रभु फल अविनाशी फल सर्वसंबंधर स्नेहर रसपरा फल खाइथांती से माने सदा सर्वदा मायार रोगठारु मुक्त रहिथांती जे स्नेहर रसपरा फल खाइथांती से माने सदा सर्वदा मायार रोगठारु मुक्त रहिथांती अन्य सब फलगुड़ी कथा सत्य जुगरे मध्य मिलिबो एवं कली जुगरे मध्य मिलुछि किंतु सेवार भावनार प्रत्यक्ष फल प्रभु फल जदि एबे खाई न पारिबो तेबे सारा कल्प खाई पारिबो नाही एही फल ईश्वरीय जादू परा फल अटे जेउ फल को खाइबा द्वारा लुहारु पारस मध्य नुहे किंतु हीरा पालटी जाउछ एही फल सर्व विघ्न को समाप्त करुथिबा अमर फल अटे स्लोगन अपकारी मानंकर मध्य उपकार करुथिबा निंदुक को मध्य निजर मित्र मने करुथिबा आत्मा माने ही बाबांक समान अटंती।